दोस्तों आज मैं द डे शिफ्ट नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि हाल ही में अभी रिलीज हुई है। और अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत में हम बर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं। बर्ड यहाँ पर पेशे से सिटी में क्लीनिंग का काम करता था। इसके बाद हम बर्ड के पास एक बैग देखते हैं जिसमें कि बहुत सारे हथियार होते हैं, और उन हथियारों को लेकर वो एक घर में चला जाता है जहाँ पर वो एक वायर के जरिए एक ट्रैप बनाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे बर्ड शूट कर देता है। अब असल में वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर होती है, और बर्ड उसी को मारने यहाँ पर आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत अभी भी जिंदा होती है, जिसके बाद बर्ड उसे लड़ता है, पर उसकी वैम्पायर स्ट्रेंथ के आगे बर्ड कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कर उसे हैंडल कर वहाँ पर मार देता है। अब उस वैम्पायर के मरने के बाद वो उसके वैम्पायर टीथ को निकाल लेता है। इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी वैम्पायर आती है जिसे कि वो शॉटगन और सिल्वर वायर की मदद से ढेर कर देता है। अब यहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स के दांत निकाल कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बर्ड उनके दांत को इसलिए निकालता था ताकि वो उनके दांतों को आगे बेच सके। अब असल में वहाँ पर वैम्पायर के दांत बहुत ही अनमोल होते हैं, और जितने ही वैम्पायर ओल्ड होंगे उतने ही उनके दांतों का प्राइस ज़्यादा मिलेगा। मीनवाइल हम वहाँ पर ऑड्री को देखते हैं, और ऑड्री जो कि एक वैम्पायर होती है वो उसके एक आदमी को आयरन रॉड के अंदर कैद कर देती है। अब यहाँ पर दोस्तों वो आदमी भी एक वैम्पायर होता है, और यहाँ पर ऑड्री उसकी बॉस होती है। यहाँ पर उस वैम्पायर ने ऑड्री का कहना मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ऑड्री ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया था। यहाँ पर वो आदमी उसे कहता है कि वो सब कुछ मानने के लिए तैयार है, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद ऑड्री उस वैम्पायर के ऊपर सीमेंट डलवा देती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऑड्री एक बिजनेस वूमन भी थी। खैर, इधर बर्ड घर पर वापस आता है, जिसके बाद वो यहाँ पर नहा रहा होता है। अब यहाँ पर वो अपने ऊपर एक लोशन लगाता है, और असल में इस लोशन को लगाने से वैम्पायर्स उसे स्मेल नहीं कर सकते थे। खैर, इसके बाद वहाँ से बर्ड निकल जाता है और अपनी बेटी को पिक करता है। यहाँ पर वो दोनों उसकी माँ से मिलने जा रहे होते हैं, और असल में यहाँ पर बर्ड का उसकी वाइफ से डाइवोर्स हो गया था। अब यहाँ पर ये डाइवोर्स क्यों हुआ था इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद बर्ड और उसकी बेटी पेज वहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं, जिसके बाद बर्ड उसे लेकर घर पर आता है, जहाँ वो उससे पूछने लगती है कि उसे इतनी देर क्यों हो गई, जिस पर वो उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि वो एक पूल साफ करने गया था। अब यहाँ पर उसे पता चल गया था कि बर्ड उसे झूठ बोल रहा था, और इन्हीं बातों की वजह से ही उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। खैर, यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसे पेज की फीस भरनी है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो ये घर बेच देगी। यहाँ बर्ड उसे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसे एक वीक का समय दे ताकि वो पैसे का इंतज़ाम कर सके। और यहाँ पर हम जानते थे कि बर्ड को सिर्फ एक ही तरीका याद था पैसे कमाने का, जिसके बाद वो एक दुकान में जाता है जहाँ पर ये दांत खरीदे जाते थे। वो उन दांतों को वहाँ के ओनर को दिखाता है, जो कि उसे सिर्फ $800 देने के लिए ही कह रहे थे। अब यहाँ पर बर्ड इस बात से ज़रा भी खुश नहीं होता है, और वो उसे कहता है कि इससे अच्छा तो वो उसे यूनियन के पास ही बेच देगा। वो आदमी उसे कहता है कि तो वो जाए और उसे वहीं पर बेचे। अब असल में यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे वैम्पायर हंटर्स काम करते हैं, और वो सभी वैम्पायर्स को मार कर उनके दांत वहाँ के ओनर को देते हैं। अब यहाँ पर बर्ड के पास कोई चारा नहीं होता है, इसीलिए वो उन दांतों को वहीं पर बेच देता है, और साथ में ही वो अपने जूते और गन भी बेच देता है। इधर हम ऑड्री को देखते हैं जो कि उसी घर में आई थी जिसमें कि बर्ड आया था। वहाँ पर वो उस बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखती है। अब असल में वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी होती है, और उसे देखने के बाद वो बहुत ही दुखी और गुस्सा होती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑड्री बहुत ही पुरानी वैम्पायर थी, और यहाँ पर उसका एक आदमी स्मेल कर वहाँ की छानबीन करने लगता है, जहाँ पर उसे बर्ड का ब्लड मिलता है जिसे कि वो उसकी बॉस ऑड्री को दिखाता है।
खैर नेक्स्ट सीन में हम बर्ड को देखते हैं जो कि बिग जॉन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि उसका एक पुराना दोस्त था। अब यहाँ पर बिग जॉन उसी यूनियन में काम करता था इसीलिए बर्ड उसे वहाँ पर वापस लाने को कहता है, क्योंकि पहले बर्ड वहीं पर काम किया करता था और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। खैर इसके बाद बर्ड और बिग जॉन वहाँ के बॉस से मिलने जाते हैं। वहाँ जाके बिग जॉन उसे बर्ड को फिर से काम पर रखने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉस उसे रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। अब असल में वहाँ पर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसे कि बर्ड ने बार बार तोड़ा था, इसीलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। पर यहाँ पर बर्ड उसे कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिसके बाद उसका बॉस मान जाता है, पर वहाँ उसके साथ में उसका एक पार्टनर भी होगा। इसके बाद बर्ड के पास एक वैम्पायर तीत होता है जिसे कि वो बॉस काउंटर पर जमा करने को कहता है। वहाँ काउंटर पर जाकर उसे उस तीत के $8,000 मिलने वाले थे, पर वहाँ पर बैठा हुआ आदमी उसमें से $7,000 काट लेता है, जिसके बाद बर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर इसी बीच उसका बॉस वहाँ पर आता है जो कि उसी आदमी को इशारा कर कहता है कि यही उसका पार्टनर होगा। और उस आदमी का नाम सेथ होता है, पर उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी भी वैम्पायर को मार सकता है। नेक्स्ट डे सेथ बर्ड के यहाँ पर आता है और सेथ वहाँ पर कोट पहनकर आया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हुआ हो। अब यहाँ पर बर्ड उसका मजाक बनाता है और यहाँ पर हम बर्ड के पास कुछ वेपन्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वैम्पायर्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब असल में यहाँ पर बर्ड को सिर्फ दिन में ही वैम्पायर्स मारने होते हैं क्योंकि उसकी डे शिफ्ट होती है। यहाँ पर बर्ड सेथ को एक वैम्पायर दिखाता है और कहता है कि ये वैम्पायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब असल में इस दुनिया में 5 तरह के अलग अलग वैम्पायर्स होते हैं जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद बर्ड उसे कार में ही रुकने को कहता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। इधर हम ऑड्री को देखते हैं जो कि उसी शॉप में आती है जहाँ पर बर्ड ने वो वैम्पायर तीत दिया था। यहाँ पर वो उसके गले में वही वैम्पायर तीत देखती है और वो उससे पूछती है कि यहाँ पर ये तीत कौन देने आया था। अब यहाँ पर किस करने की बात सुनकर वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर बर्ड कुछ वैम्पायर्स को मार रहा था और इसी बीच उसकी गन उसके हाथों से गिर जाती है और एक वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद वहाँ पर सेथ आता है जिसे कि बर्ड गन पास करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो डरते हुए बर्ड को गन देता है और यहाँ पर बर्ड उस वैम्पायर को मार देता है। यहाँ वैम्पायर्स को बर्ड बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था जिसे देखकर सेथ की हालत खराब हो जाती है और वो बाहर जाकर उल्टी करने लगता है। खैर इसके बाद बर्ड सेथ को उसकी डेस्टिनेशन पर उतारता है जहाँ वो उसे वही लोशन देता है जिसे वैम्पायर उसके पास नहीं आएंगे। इसके बाद बर्ड गाड़ी में बैठता है जहाँ पर सेथ की एक कॉपी वहीं पर छूट गई थी। वो उस कॉपी को देखता है जहाँ उसमें सेथ ने बर्ड की कई सारी गलतियां लिखी हुई थी। खैर घर पर आने के बाद अपने अपार्टमेंट में बर्ड एक लड़की जिसका नाम हैदर होता है उससे टकरा जाता है। यहाँ वो उसकी हेल्प करता है जहाँ पर हैदर उससे चाय नाश्ते के बारे में पूछती है, पर यहाँ पर बर्ड को कुछ काम होता है इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सेथ को बिठाने के बाद वो उसे समझा देता है और कहता है कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो आज दोनों यहाँ पर नहीं होते। अब सेथ भी समझ गया था इसीलिए वो उससे कहता है कि वो इस बारे में उसके बॉस को नहीं बताएगा। इसके बाद वो दोनों उसी शॉप में आते हैं जहाँ आकर वहाँ पर वो लाशें देखते हैं जो कि हर तरफ होती हैं। अब आगे आकर उन्हें पता चलता है कि वो तीत खरीदने वाला मारा जा चुका है और इसके बाद वहाँ पर बर्ड अपना नाम लिखा हुआ देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अब उसे खतरा है और इसके बाद वो वहाँ से गुस्से में निकलने लगता है। जहाँ पर सेथ उसे उन लाशों के बारे में पुलिस को बताने के लिए कहता है, पर बर्ड उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो पुलिस वालों को 2 दिन बाद खबर करेगा, अगर उसने अभी खबर कर दी तो इससे उसके घर वालों को सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन बर्ड उसे एक घर पर ले जा रहा था जहां उसे पता चला था कि वहां बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। अब वहां पर जाते वक्त उसे अपने जैसे 2 और वैम्पायर हंटर्स मिलते हैं जहां पर वो साथ में काम कर पैसे आधे आधे बांटने का डील करते हैं। वहां आकर उन्हें बहुत सारे वैम्पायर्स मिलते हैं जिन्हें वो एक एक कर मारने लगते हैं। अब सबको मारने के बाद सेथ उन वैम्पायर्स को देखता है जहां पर उसे पता चलता है कि जिन वैम्पायर्स को उन्होंने मार दिया था वो सभी अलग अलग टाइप के वैम्पायर्स थे। अब यहाँ पर बर्ड को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये सारे वैम्पायर्स कभी एक साथ नहीं होते हैं। खैर इसके बाद वो और सेथ वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर बर्ड सेथ की तारीफ भी करता है क्योंकि आज उसने बहुत से वैम्पायर से लड़ाई भी की। इसके बाद बर्ड वहाँ से अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी बेटी पेज उसे एक बर्थडे पार्टी में ले जाती है। इसी बीच वहाँ पर ऑड्री का कॉल बर्ड के पास आता है जो कि उसे कहती है कि उसने उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया, अब वो उसकी फैमिली को उससे दूर कर देगी। अब ऑड्री की इस
बात को सुनकर बर्ड अपनी बेटी को वहां से ले जाने लगता है। अब यहां पर एक आदमी होता है जिसे कि ऑड्री ने बर्ड को मारने के लिए भेजा था, पर सही समय पर बर्ड उसे मार देता है। अब बर्ड अपनी बेटी को हेडफोन्स देकर वहां से निकलता है और यहां पर उसके पीछे ऑड्री के बहुत सारे आदमी लग जाते हैं, पर यहां पर बर्ड उन्हें जैसे तैसे कर मारकर आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर एक टनल में ले जाता है जिससे कि वो बच जाता है। अब यहां उसकी बेटी को सब कुछ सच पता चल जाता है, जिस पर वो उसे ये बात उसकी माँ को ना बताने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं जहां पर ऑड्री अपने आदमियों के साथ पहले ही वहां पर मौजूद होती है। यहां बर्ड उसकी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है और इसी बीच ऑड्री ने सेथ को भी काट लिया था। अब इसके बाद वो बर्ड को बेहोश कर वहां से उसकी बेटी और उसकी वाइफ को लेकर चली जाती है। अब होश में आने के बाद वो सेथ को वैम्पायर के रूप में देखता है जो कि बेकाबू होकर उसे काटने के लिए आता है, लेकिन यहां पर बर्ड उसका गला काट देता है और थोड़ी ही देर में सेथ दोबारा से उठता है और वो होश में आता है। यहां पर वो एक अलग टाइप का वैम्पायर बन चुका था और इसके बाद वो दोनों वहां से उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच बर्ड हैदर के घर आता है क्योंकि उसने उसे पहले ही ऑड्री के आदमी से बात करते देखा था। अब यहाँ पर वो ऑड्री से लड़ता है, पर ऑड्री एक वैम्पायर होती है इसीलिए वो उसे आसानी से हैंडल कर लेती है। यहाँ ऑड्री उसे सब कुछ बताती है कि ऑड्री उसके बेटी का बदला ले रही थी जिसे उसने स्टार्टिंग में मार दिया था। अब यहाँ वो ये भी बताती है कि अब ऑड्री उसकी बेटी को भी वैम्पायर बनाएगी। और इसी बीच सेथ की हालत भी खराब होती है जहाँ पर हैदर उसे ब्लड पिलाती है जिससे कि सेथ का गला हील हो जाता है और इसके बाद हैदर उन्हें उन वैम्पायर वाली जगह पर ले जाती है जहां पर वो तीनों उनसे लड़ते हैं। अब यहां पर सेथ भी अपनी वैम्पायर स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाता है, पर थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं जिसके बाद ये सभी लोग उनसे घिर जाते हैं। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से बिग जॉन निकलता है और सभी वैम्पायर्स को अपनी मशीन गन से मारता है। यहां पर बिग जॉन उन्हें कहता है कि वो उनकी मदद करेगा और ऐसा कहते ही वो चारों साथ में आगे बढ़ते हैं। यहां आगे जाकर वो दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं जहां पर बिग जॉन और बर्ड साथ में होते हैं और वो दोनों सभी वैम्पायर्स को मारकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच उनकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं और फिर भी वो उनसे नाइफ की मदद से लड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब यहां पर लड़ाई के दौरान बिग जॉन को भी एक वैम्पायर ने काट लिया था, इसीलिए वो बर्ड को आगे भेजकर एक लाइट बॉम्ब की मदद से अपने साथ बहुत सारे वैम्पायर्स को मार देता है। आगे जाने के बाद बर्ड को ऑड्री का एक खास आदमी मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, पर तभी वहां पर हैदर और सेथ आते हैं जो कि उसे आगे जाने को कहते हैं। यहां पर हैदर और सेथ उससे लड़ते हैं, पर यहां पर लड़ने से काम नहीं बनने वाला था। तब वो दोनों मिलकर उसका हाथ उखाड़ देते हैं। यहां पर सेथ उसका खून पीता है और इसी बीच ऑड्री के पास बर्ड आता है जो कि उसे उसकी बेटी और वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है, पर यहां पर ऑड्री उन्हें नहीं छोड़ने वाली थी, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ते हैं और यहाँ पर ऑड्री की पावर्स के मुकाबले वो तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ऑड्री बर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है कि तभी बर्ड की वाइफ उसके आर पार एक आयरन रॉड घुसा देती है, जिसके बाद वो उसकी वाइफ को मारने जाती है कि इतने में ही बर्ड उसे शूट कर देता है। और यहाँ पर ऑड्री उसे पलट कर मारने के लिए बहुत तेजी से भागती हुई आती है, पर यहाँ पर उसका गला कट जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्ड ने सिल्वर वायर लगाए हुए थे। अब इसी के साथ वहाँ पर ऑड्री मारी जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से बाहर आते हैं। अब वहां से बाहर आने के बाद उन्हें उनका बॉस मिलता है जिन्हें कि वो सब कुछ सच बता देते हैं, लेकिन यहां पर उसका बॉस बर्ड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। पर सेथ यहां पर बर्ड को बचा लेता है और इसके बाद बर्ड और सेथ साथ में वैम्पायर्स को मारने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद बर्ड और उसकी वाइफ का फिर से पैचअप हो जाता है और इधर हम बिग जॉन को एक टनल से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।